नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप इंडिपेंडेंट टीवी को भोगता तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी आवश्यक होने वाला है क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी के आज सुबह से ही काफी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लोग भी मैसेज कर रहे हैं, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लोग भी हमारे वीडियोज के ऊपर आकर हमें कमेंट कर ये चीज कन्फर्म कर रहे हैं कि सर हमें इंडिपेंडेंट टीवी का जो रिफंड है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, और इंडिपेंडेंट टीवी जो लिंक प्रोवाइड करने वाला है रिफंड से संबंधित, वो लिंक हमें कहां पर मिलेगा और कब हमें वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो इस प्रकार के काफी मैसेजेस इंडिपेंडेंट टीवी के खिलाफ हमारे काफी व्यूवर्स कर रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइबर हैं वो भी कर रहे हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो भी हमारे वीडियोस के ऊपर आके इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले कि इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी स्टार्ट होगी या फिर इंडिपेंडेंट टीवी अपने सारे के सारे उपभोक्ताओं को रिफंड करने वाला है, और जो इंडिपेंडेंट टीवी रिफंड करने वाला है वो सभी कस्टमर को किस प्रकार से करेगा, वाया ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा या फिर चेक करेगा या फिर इंडिपेंडेंट टीवी की कोई एग्जीक्यूटिव उनके घर पर आकर उनसे बॉक्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वो रिफंड उनको देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपके मन के अंदर जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग के अंदर उठ रहा है, जो भी सवाल जवाब आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं इंडिपेंडेंट टीवी को लेकर, उससे रिफंड से संबंधित लेकर, तो वो सारे के सारे सवाल जवाब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इंडिपेंडेंट टीवी काफी दिनों से हमें झांसा देता चला आ रहा है और इंडिपेंडेंट टीवी सर्विस स्टार्ट नहीं कर रहा, और इंडिपेंडेंट टीवी का जो केस है हमारा TD सेट्स कोर्ट्स के अंदर चल रहा है, और वह कोर्ट की बार बार हमारी हियरिंग डेट आती चली जा रही है, और जब हमारी हियरिंग डेट आती है तो उसके बाद में हमारे सामने एक नई हियरिंग डेट हमारी डिक्लेयर कर दी जाती है, और इंडिपेंडेंट टीवी का किसी भी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष हमारे सामने निकल के नहीं आता है, ना ही कोई टेलीकॉम मिनिस्टर उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करता है, ना ही कोई सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है, और ना ही किसी प्रकार का कोई उच्च अधिकारी उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का निर्देश देता है। तो इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को क्यों स्टार्ट करेगा? जी हाँ दोस्तों, यानी कि इंडिपेंडेंट टीवी के ऊपर जब तक आगे से किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा या किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को स्टार्ट कतई भी नहीं करने वाला। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आया हमारा इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से कि इंडिपेंडेंट टीवी की जो साइट्स है हमारी दोबारा से रिफ्लेक्ट करने लग गई है, और इंडिपेंडेंट टीवी की साइट्स में कुछ हमारा थोड़ा बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जो हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की जो केस की हमारी सुनवाई चल रही थी TD सेट्स कोर्ट्स के अंदर इंडिपेंडेंट टीवी और एंट्रिक्स के बीच में, उस केस की सुनवाई को हमारा 7 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब हमारी जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट हमारे निकल के आ रही है वो 7 नवंबर हमारे सामने निकल के आई है। 7 नवंबर को दोबारा से हमारे TD सेट्स कोर्ट्स के अंदर इंडिपेंडेंट टीवी और एंट्रिक्स की जो भी केस की है वो सुनवाई की जाएगी, और उसके बाद में हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस के बारे में हमें पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को स्टार्ट करने वाला है या नहीं करने वाला। और जो इन्फॉर्मेशन है हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की रिफंड से संबंधित, तो देखिए दोस्तों, ये रिफंड से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी क्लू इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से नहीं निकल गया, और ना ही इंडिपेंडेंट टीवी किसी को रिफंड देने वाला, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी के टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी रिफंड की कोई भी प्रोसेस नहीं है। यानी कि इंडिपेंडेंट टीवी अगर चाहेगा तो आपको केवल सर्विस ही प्रोवाइड करेगा, किसी प्रकार का रिफंड आपको नहीं देने वाला। तो देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट टीवी का जो लाइसेंस था वो हमारा 31 दिसंबर 2019 तक था, जो कि हमारे रिन्यू करवा चुका था इंडिपेंडेंट टीवी, लेकिन जो हमारी TD सेट्स की नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो 7 नवंबर है। तो नवंबर और दिसंबर में, यानी कि हमारे कुछ 20 या 25 दिन के अंदर ही हमारा इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उम्मीद आप बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करने वाला, और ना ही वो अपने किसी भी कस्टमर्स को अपना पैसा रिफंड करने वाला। जी हां दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकल गई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हां दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ताओं को पता लग सके कि इंडिपेंडेंट टीवी की जो सर्विस है वो हमें शायद अब नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी की जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो हमारी 7 नवंबर तक स्थगित कर दी गई है, और 7 नवंबर के बाद ही दोबारा से इंडिपेंडेंट टीवी के केस के ऊपर सुनवाई की जाएगी, और उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को स्टार्ट करेगा या फिर अपने सारे कारोबार को समेट कर वो नए सिरे से अपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले
आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।